उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। ऐसे में बुधवार 30 मार्च को 12वीं बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित थी, लेकिन संभावित समय से पूर्व ही अंग्रेजी का पेपर लीक होने की सूचना प्राप्त होने के चलते राज्य के कुल 24 जिलों में अंग्रेजी का पेपर रद्द कर दिया गया है। पर्चा लीक को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है तथा जांच के आधार पर जल्द ही मामले के असल दोषियों का पता लगाया जाएगा। उक्त बोर्ड परीक्षा 12वीं का अंग्रेजी पेपर लीक होने के बाद प्रशासन ने आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुरी, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली सहित कुल 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। बागपत के जिला अधिकारी राजकमल यादव ने अंग्रेजी का पेपर लीक होने के चलते जिले में परीक्षा रद्द करने जाने की सूचना सार्वजनिक रूप से साझा की। पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद परीक्षा रद्द होने के अतिरिक्त अभी तक कोई और विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि प्रशासन द्वारा पुनः परीक्षा कराने संबंधी जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। प्रशासन ने अंग्रेजी का पेपर लीक की सूचना के बाबत शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी को सूचित कर दिया गया है तथा मामले में जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।